हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार सितंबर 2022 बैच का जो कट ऑफ है उसके बारे में, ताकि उस कट ऑफ के हिसाब से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यार कौन सा सेंटर कहाँ मिल सकता है। तो गाइज, सबसे पहला डाउट सबको यही होता है कि यार कट ऑफ तो ऑफिशियली सीडैक रिलीज़ नहीं करता है, तो ये कट ऑफ कहाँ से आता है, राइट? तो गाइज़, ये कट ऑफ मैं खुद निकालता हूँ बच्चों का डेटा कलेक्ट करके। जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, मैं एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ मैं एक गूगल फॉर्म देके वहाँ से बच्चों का डेटा लेता हूँ कि यार उनका नाम क्या है और उन्होंने कौन से सेंटर्स ऑप्शन वन ऑप्शन टू में रखा है। उसके हिसाब से फिर मुझे पता चलता है कि कौन सा सेंटर कहाँ तक क्लोज हुआ है। तो ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ओके गाइस? तो ये अप्रॉक्स डेटा है कि इसके आसपास क्लोज हो चुका है, तो ये फर्स्ट राउंड का डेटा रहेगा, ओके? और बाकी आप बाकी कोई भी वीडियो के लिए आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले काउंसलिंग और सीट एलोकेशन प्रोसेस समझना है, और जो कट ऑफ रैंक्स आते हैं गाइस उस पर ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपको जो सेंटर्स पसंद है उसके हिसाब से अपने ऑप्शंस फॉर्म फिल करिएगा। ऐसा नहीं कि यार कोई सेंटर अगर 1200 पे क्लोज़ हो रहा है तो तुम उतने ही सेंटर्स डालो, यार 1400 1500 1600 और नीचे सेंटर्स ज़्यादा डालो, क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ओके? तो ये बात को याद रखना है। तो चलिए, अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि हर कोर्स के लिए कौन सा कट ऑफ है। और ये अप्रॉक्स कट ऑफ है, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि इतने बच्चे फॉर्म भरते ही नहीं ताकि मैं एग्जैक्ट निकाल सकूँ। तो जो स्टार्टिंग के टॉप सेंटर्स है उनके एग्जैक्ट मिल जाते हैं, लेकिन जो नीचे के सेंटर्स है उनका अप्रॉक्स रहता है, तो वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, ओके? तो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, हम लोग देखते हैं कट ऑफ्स, ओके? ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सबसे पहले टॉप 10 पीजी डैक इंस्टीट्यूट्स एंड उनके कट ऑफ, तो ये कट ऑफ के हिसाब से टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स भी है और इनके कट ऑफ रैंक्स भी यहाँ पर दिए गए, ओके? और ये रहेगा पीजी डैक के लिए। तो सबसे पहले सनबीम पुणे, जिसका कट ऑफ था 440 और ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, तो सेकंड राउंड में हो सकता है 440 से 450 ये तक जा सकता है। जो टॉप के इंस्टीट्यूट रहते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20-25 का फ़र्क आ सकता है सेकंड राउंड के लिए, लेकिन जो नीचे के इंस्टीट्यूट जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लाइक 100 200 300 ऐसे बढ़ता जाएगा, ओके? तो सनबीम पुणे 440, फिर सीडैक एक्ट्स पुणे जो है वो 745 पे क्लोज हुआ था, और ISSD पुणे 1300 के आसपास क्लोज हुआ था, और सनबीम कराड 1390 पे क्लोज हुआ था। इससे पहले जब ऑनलाइन बैच थी सनबीम कराड 900 पे क्लोज हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन में लोग सनबीम प्रेफर कर रहे थे, लेकिन अभी कराड के लिए ऑफलाइन के लिए कराड जाना पड़ता है तो लोग कम प्रेफर करते, तो इसकी वजह से इसका नीचे आ गया था। और विटा 1633 पे है, और खारगर मुंबई 1600, नो आई टी 1845, जुहू मुंबई 2134 पे क्लोज हुआ था, और IIT 2190 पे, और इन्फोवे क्लोज हुआ था 2494 पे। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो बेंगलुरु का नहीं है, बहुत सारे जो ऑनलाइन वेबसाइट्स में आप लोग देखोगे बेंगलुरु मेंशनड है, लेकिन कुछ मतलब पिछले 3-4 बैचेस से बेंगलुरु अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो लोग ज़्यादातर मुंबई और पुणे ही प्रेफर कर रहे, तो आप भी यही सोच के मुंबई पुणे के लिए प्रेफरेंस दे सकते हो, ओके? यहाँ पर खारगर मैंने नीचे डाल दिया 1600, खारगर को ऊपर कर सकते हो सकता है इस बार खारगर और जुहू ये दोनों का थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर ऊपर चले जाए, मतलब ये हो सकता है जुहू आसपास 1800 के पास क्लोज़ हो जाए और खारगर क्लोज़ हो सकता है अराउंड 1400 पे, क्योंकि उनका प्लेसमेंट अच्छा हुआ है मार्च बैच के लिए, मार्च 2022 बैच, तो इसीलिए बच्चे हो सकता है मुंबई प्रेफरेंस दे दे, ओके? तो कट ऑफ में आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो आगे बढ़ते, अभी बात करते पीजी DBDA इंस्टीट्यूट्स विद कट ऑफ रैंक्स। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 इंस्टीट्यूट दिए थे डैक के लिए, आप देख सकते हो, और आगे जो बाकी सेंटर्स हैं उनका जो कट ऑफ है वो मैं आगे बात करूँगा वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ओके? तो अभी बात करते हैं DBDA इंस्टीट्यूट और उनके कट ऑफ रैंक्स के। सनबीम क्लोज हुआ था 780 पे, और सीडैक एक्ट्स पुणे हुआ था 1050 पे, ISSD पुणे हुआ था 1165 पे, और विटा मुंबई 2590, फिर नो IIT 2748, फिर खारगर 3060, फिर बैंगलोर 4300। तो ये है DBDA के कट ऑफ्स, ओके? तो गाइज मैं आगे जल्दी वीडियोस ला रहा हूँ और एक वेबिनार भी ला रहा हूँ, तो वेबिनार आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो 11th ऑफ फेब्रुअरी को शाम को 6 बजे मैं वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कट ऑफ रैंक्स तो आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगे, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट्स कैसे है क्या है इसके बारे में डिटेल में वहाँ बात होगी, ओके? तो गाइज ये DBDA के कट ऑफ है और ये कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स है, इसमें आप लोग DBDA कर सकते हो। तो आगे बढ़ते, आगे बात करते हैं एम्बेडेड की। तो गाइज एम्बेडेड के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक्ट्स के लिए 300, सनबीम के लिए 500, हैदराबाद के लिए 650, बैंगलोर के लिए 800। तो ये पूरे जो एम्बेडेड है हर जगह पे फिजिकली होने वाला है, मतलब ऑफलाइन रहेगा कोर्स, ओके? तो आगे बढ़ते, अभी बात करते DAI की।
तो गाइस एक्ट्स 15500 और नोएडा 2500 के अराउंड, बाकी इन दोनों का कोई मतलब ज़्यादा। तो गाइस कैसा है, यहाँ पर सिर्फ 40 ही सीट रहते, तो फिर बहुत सारे कम बच्चे फॉर्म भरते, लाइक एक दो ने भरा तो उससे आइडिया नहीं आता है कट ऑफ क्या रहेगा, तो इसीलिए इनका कट ऑफ मेरे पास नहीं है, इनका मैंने अप्रॉक्स मैंने इतना आ सकता है ओके। बाकी आप देख सकते हो DITS के लिए एक्ट्स पुणे 2000 तक और ISSD 3500 तक, DMC आपको 3000 तक मिल जाता है, तो इससे ज़्यादा भी मिलता है, ऐसा नहीं कि 5000 सेकेंड राउंड में कभी कभी, तो लेकिन ये फर्स्ट राउंड के अप्रॉक्स कट ऑफ्स है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं आपका 2500 रैंक है तो आपने नोएडा DI डाल के छोड़ दिया, उसके नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं डाला, तो ऐसे मत करो, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ओके। अब आगे बढ़ते गाइस, आगे बात करते अभी जो रिमेनिंग इंस्टीट्यूट है PG डैक के लिए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो PG डैक के रिमेनिंग इंस्टीट्यूट उनके कट ऑफ देख सकते हो आप। फिर MAT मुंबई आता है 2929 पे, बेंगलुरु क्लोज हुआ था 3075 पे, YCP क्लोज हुआ था 3311 पे, MAT नासिक 3635 पे और हैदराबाद 3873। फिर नोएडा, चेन्नई, आप बाकी के कट ऑफ देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो गाइस ऐसा नहीं कि सिर्फ कट ऑफ के बेस पे इंस्टीट्यूट अच्छा है नहीं है, तो आप अपने तरफ से रिसर्च कीजिए और मैं भी अपनी तरफ से कर रहा हूँ, जो कि हम लोग वेबिनार में बात करेंगे यार इंस्टीट्यूट कौन सा ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हो ओके। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बात करते हैं DBDA के इंस्टीट्यूट्स, उनके नोएडा का देख सकते हो 5565, हैदराबाद 600 और चेन्नई 6715। बाकी ये जो इंस्टीट्यूट्स है इनका डेटा कम के कारण मैं कट ऑफ नहीं निकाल सका, लेकिन आप इसके अंदाजे से लगा सकते हो कि आगे मतलब इसका कंटिन्यू रहेगा ओके। तो ये DBDA की जो रिमेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके बारे में, और बाकी जो भी कोर्सेस है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हुआ, DASSD हुआ या बाकी कोर्सेस है, इनके बारे में मुझे भी ज़्यादा इन्फो नहीं मिलता है, बच्चे कुछ शेयर नहीं करते डेटा, तो इसलिए पता नहीं है, और उनके प्लेसमेंट भी और वहाँ पर बच्चे भी कम एडमिशन लेते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा मतलब सोर्सेस नहीं है ताकि मैं पता कर सकूँ कट ऑफ क्या आता है। तो ये कट ऑफ के हिसाब से आप जा सकते हो, अप्रॉक्स कट ऑफ है, मैंने जैसे बोला ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा रखो ओके। तो अब बात करते हैं गाइस विल कट ऑफ चेंज, इस बार क्या कट ऑफ चेंज हो सकता है, या ऑब्वियसली हो सकता है, जैसे मुंबई पुणे रीजन ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, हो सकता है बेंगलुरु का कट ऑफ कम आ जाए या फिर हैदराबाद का कट ऑफ और कम चले जाए। उसके बाद हो सकता है खारगर और मुंबई ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनका प्लेसमेंट सबसे अच्छा हुआ है, जो मार्च 2022 बैच था, और सितंबर जो बैच 2022 चल रहा है उनके अभी CC के एग्ज़ाम होंगे 14 फेब से लेके, तो उनका अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो उनके बारे में नहीं पता है। तो जो मार्च बैच का हुआ था उस रिसेशन के कारण प्लेसमेंट CDAC में पहली बार सबसे कम प्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसीलिए टॉप इंस्टीट्यूट ही जाने के लिए प्रेफर करो, क्योंकि नहीं पता मार्केट कंडीशन क्या रहेगी क्या होगा, तो इसीलिए हो सकता है जैसे खारगर और जू ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनका कट ऑफ ऊपर जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने ऑप्शंस भरो। ऑप्शंस कभी भी ऐसे फील करो कि जैसे तुमको सेंटर्स चाहिए, जैसे मुझे यार पुणे का पहला सेंटर चाहिए, सनबीम रखना है, उसके बाद एक्ट्स रखना है, उसके बाद ISSD रखना है, उसके बाद खारगर रखना है, तो मैं उसी सीक्वेंस में लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि कट ऑफ ऐसा है तो मैं ऐसा लगाऊँ, नहीं, तुमको जो पसंद है सेंटर उस हिसाब से अपना कट ऑफ बनाइए, मतलब ऑप्शन फॉर्म बनाइए ओके। तो आपके कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, बाकी अगर वेबिनार का लिंक है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डिटेल में बात करेंगे और ज़्यादा ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और जैसे मैंने बताया कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, इतना ध्यान में रखना है ओके। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिले तो आप कर दीजिए बाकी सब। तो चलिए बाय बाय ओके।